أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

एक मर्द और औरत से हमें बनाया आदम और हवा की औलाद बनाई हमें चलने फिरने वाला गुफ्तगू करने वाला आपस में एक दूसरे से मामला करने वाला बनाया फिर दर्द सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर दरुदो सलाम हो मेरे और आपके प्यारे महमदर रसोल्ला सल्ला वसल्लम पर मोहतरम साम बड़ी खुशी और मसरत का मौका है अहबाब बंगलोर दरूस ने मौके के मुनासबत से इस्लाम और इंसानियत के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस रखी है चार पाँच दिनों से मेरे दिल में ये बात ठीक है इस मौके से कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए आजकल जो बेंगलोर में माहौल बना हुआ है अमूमा सारे आलम में जैसा माहौल बना हुआ है इंसानियत इंसानी रिश्ते इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है और हकूक़ राइट्स क्या राइट हैं कि इंसान के इंसानियत के नाते जो रिश्तेदारी हमारी कायम होती है क्या हुकूक हमारे बनते हैं मैं और आप बखूबी जानते हैं चार दिन कबल बेंगलोर में एक हादसा हुआ तीन नौजवान लड़कों ने व्हीलिंग करते हुए अपनी मोटर बाइक पे जिनमें से दो ने बर वक्त अपनी जान गंवा दी ये वाकया सुनने को ज़िंदगी में रोनम होने वाले वाक़ात में से एक वाक़ है लेकिन बड़ा इबरत वाला वाक़ है ऐसे मौके पर जहाँ हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं हालात बड़े गंभीर हालात हैं इंसान खाने के लिए परेशान है बीमारी सेहत को लेकर परेशान है ऐसे में हमारे नौजवान बच्चे अल्लाह की नमतों में से एक नमत की हक तलफी करते हैं और उसका नाजायज गैर इस्तेमाल करते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं अल्लाह माना कि जिंदगी बहुत बड़ी अहम चीज है इंसान के लिए इससे खिलवाड़ करना भी आसान है लेकिन जिंदगी ये भूल जाता है इंसान कि अल्लाह की दी हुई एक नेमत है एक नेमत रब्बानी है अल्लाह का दिया हुआ यह आती है इंसान को यह हक नहीं कि उसको जयए करे इंसान को यह हक नहीं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करे इस्लाम जायज करार नहीं देता फरमाया रसूलुल्लाह वसल्लम ने जिस शख्स ने अपने आप को पहाड़ की चोटी से गिरा दिया मंतारद मिंजिन फला नफ्सा जिसने किसी पहाड़ की या ऊंचाई से अपने आप को गिरा दिया और अपने आप को बर्बाद किया हला कर दिया फहुआफी नारी जहन्नम तरद खालिदम ऐसा शख्स हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा और जहन्नम में लुढ़कता ही रहेगा अल्लाह उसको हमेशा के लिए ऐसी सजा देगा कि जहन्नम में वो ऐसा ही लुढ़का दिया जाएगा और अपनी जान गंवाता रहेगा दोबारा उसमें जान फूकी जाएगी और फिर रसोल ने फरमाया और जिसने जहर के घूट पिए और अपने आप को बर्बाद किया फरमाते रसोलम नेहर उ होगा वो जहन्नमे जहन्नम उस जहर के घूट पीता रहेगा और अपने आप को मारता रहेगा और यह चलता ही रहेगा अल्लाह हम भी कैसे माँ बाप हैं अल्लाह की नेमतों की शुक्रिया अपने शुक्रगुजारी अपने बच्चों को नहीं सिखाते माना कि मां बाप ने सिखाया होगा हर मां बाप ने सिखाया होगा लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अपने बच्चों को नसीहत के साथ साथ दुआ भी करना चाहिए तोफीक अल्लाह की जानब से होती है तोफीक अल्लाह की जानब से होती है जी हां नेक मां बाप के लिए नेक औलाद ये जरूरी होता है कहाव के आखिरी में आपने पढ़ा कि जब उनके माँ बाप नेक थे तो अल्लाह ने उनको उस बच्चे को मारकर दूसरी औलादाता की अल्लाह रब ने रबूम मुझे गुफ्तगु इस बात पर करनी है कि इंसान और रिश्ते इंसानी रिश्ते क्या होते हैं इस्लाम हमेशा से इंसानियत का आलम बरदार रहा है इंसान रिश्तेदारी का आलमबरदार रहा है इस्लाम आजमत इंसानी का नकीब है और हमेशा से इंसानियत और शर्फ इंसानियत का पैगाम देता रहा है और इसके झलकियां शरीयत के अंदर जा बजा आपको मिलती रहेंगी हर जगह नुमाया मिलेंगी हमेशा से इस्लाम ने इंसानियत का पैगाम दिया इंसानी रिश्तेदारी मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं कि मैं भाई भाई हमारी खूनी रिश्तेदारी है एक इंसानियत की रिश्तेदारी है मैं और आप मुसलमान मुसलमान भाई की रिश्तेदारी है मैं उसकी बात नहीं करता हूं मैं एक इंसान होने के नाते मैं एक इंसान हूं मैं सबसे पहले एक इंसान हूं एक इंसान होने के नाते एक इंसान के, के, के साथ मेरी रिश्तेदारी कैसी हो एक जानवर के साथ मेरी रिश्तेदारी कैसी हो दुनिया की हर चीज के साथ मेरी रिश्तेदारी कैसी हो मैं जीता हूं ये चारपाई और ये ये सोफे हर दुनिया की हर नाम हर नعمत। इसके साथ मैं एक इंसान होने के नाते मेरा ताल्लुक कैसा हो और उसके साथ मेरी वफादारी कैसी हो इंसान क्या सिखाता यही है रसूल की तालीमत उठाकर देखिए आप ने तेरह साल मक्की जिंदगी में तेरह साल आप ने पैगाम दिया दो पैगाम खुलासा उसका यह था इन इन्ना वाहिद व इन अबाकुम वाहिद अहमद की रिवायत है क्या ने फरमाया लोगो

कि तुम्हारा रब एक है तुम्हारे मां बाप एक है ये पैगाम क्यों दिया आपसलम ने क्योंकि लोग मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे कहा कि ला इला ला कहो कामयाबी की राह पर आ जाओ ये पैगाम इसलिए दिया कि आप लोग माना के करीबी रिश्तेदारी होती थी लेकिन छोटी छोटी बातों में इंसानियत को भूल जाते थे इंसानियत को भूल जाते थे लड़ पड़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानी रिश्तेदारी को कायम रखा इंसानियत को कायम रखा और इसको फौकियत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता के बाज मरतबा जानवर आप के सामने आकर रोते तो आप कहते कि मुझसे शिकायत कर रहा है यह मुझसे शिकायत कर रहा है और आप उसका हक दिलाते याद दिलाते आप वसल्लम उन्हें हक दिलाते इस्लाम इंसानियत का पैकर हैदार है और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत ने 1400 साल में ये कहा है कि इस इनसे बेहतर कोई इंसान इस दुनिया में जन्म नहीं लिया इंसानियत के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कोई शख्सियत मिलती नहीं है मैं आपको बता दूं तारीख शाहिद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में उल्फत को और रब के एक होने की वहदानियत के पैगाम को आम किया अल्लाह ने।, ने।, ने इसको कुरने मजीद में याद किया है कहा वो अल्लाफा बे नूबी लो अन फिल्लाफा बे अल्लाह ने इनके दिलों को मिलाया जुड़ाया अल्लाह ताला ने। अगर दुनिया की सारी दौलत आप खर्च कर दो तब भी आपस में उल्फत महब्बत पैदा नहीं कर पाओगे लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाली मैं और आप बखूबी जानते हैं छः महीने आठ महीने दस महीने लगते हैं एक रिश्ता जुड़ने में मुनासिब लड़का या मुनासिब लड़की देख करके रिश्ता जोड़ता है खानदान वाले दस दस मीटिंगें करते हैं दस दस पंद्रह पंद्रह मीटिंगें करते हैं उसके बाद निकाह होता है रुखसती होती है तीन चार दिन में लड़की वापस आ जाती है। या लड़का कहता है कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए दुनिया की कोई ताकत उन दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं डाल सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे जब तक अल्लाह ना चाहे और वही आप देखते हैं कि अक्सर व बेशतर शादियां माँ बाप रिश्ता देखते हैं शादी होती है लड़का कभी लड़की को देखा नहीं होता ना लड़की कभी लड़के को देखी होती है लेकिन अल्लाह इज्जत उनके दिलों में मोहब्बत डालता है ये अल्लाह इज्जत की तरफ से

आप अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुहिदा किया यहूदियों से मुहदा किया आप ने। आप ने को बुलाया उनके कबीले वालों के सर्दार, उनके सरदारों को बुलाया और बुलाकर कहा क्या आप ये जानते हैं कि मदीने में आप भी रहते हैं हम भी रहते हैं मदीना आपका भी शहर है मदीना हमारा भी शहर है अमन का हक आपको भी है अमन का हक हमको भी है तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन है आइए हम सब मिलकर मुआहदा करें कि हम अमन से जिए सुकून से जिएंगे। रसूल सल्लम ने उन्हें कर, उन, उनके साथ किया आप ने, ताकि इंसानी रिश्तेदारी बरकरार रहे और फिर आप ने मदीनी जिंदगी में आप जानते हैं सुलेदेबिया के बाद कुछ ऐसे मौके आए सुनाबी दाउद की एक रिवायत अबू राफिया अबू राफिया रसूल के पास आए वो आए के सफी मक्का वालों के सफी अंबासडर बनकर के मक्का वालों ने उन्हें सफीर बनाकर भेजा आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुतासिर हो गए इतना मुतासिर हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं मक्का जाना नहीं चाहता मक्का मैं नहीं जाना चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया नहीं अबू राफे ऐसा नहीं होगा आप मक्का जाओगे अपनी सफारत खत्म करोगे तुम्हारा सफार, सफीर बनना खत्म हो जाए, अपनी अमानत में तुम उन तरफ, उनकी तरफ सौंप दो उसके बाद तुम जब चाहे चले आना अकबर दस्तूर रहा है पहले से भी आप भी आज भी अगर किसी के अम्बासडर को या सफीर को रोक लिया जाए तो गोया कि आप जंग का ऐलान करते गोया कि आप जंग का ऐलान करते हैं किसी के सफीर को रोकने का हक नहीं होता तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह रसूल्ला रसूल सल्लम के पास जब आए थे अबू राफ़े रसूल सल्लम ने कहा कि तुम वापस जाओ और जब तुम्हारी सफारत ख़त्म हो जाए तब चले आना मोहतरम जमीन हमेशा से अलैहि वसल्लम ने इंसानी रिश्तेदारी को कायम रखने की तरगीब दी और जा बजा उसकी नसीहत फरमाई खुलासा इस रिश्ते की अहमियत के बारे में कुरान मजीद सुर हजरात की आयत नंबर तेरह है इस आयत पे कुछ लम्हा फ़िक्र हम कुछ लम्हा यहाँ रहते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सुर हजरातू मदनी सूरत है इसको अगर आप पढ़ें एक अच्छे इंसान और एक फलाही के लिए इसके अहकाम फरामीन सब के लिए ज़रूरी है एक अच्छे इंसान के लिए सुरः हजरा की तफसीर पढ़नी चाहिए उसके मानी को समझनी चाहिए उसकी हर आयत सबक देती है सूरत हजरात की हर आयत इस सूरत की पिता आप जानते हैं अल्लाह रब यादी आमनु से कही खास तबका ईमान वालों से मुखातब करके ने या आमन कहा लेकिन इस आयत में सूरत की इस आयत में अल्लाह रबुल्जत ने या यादनास कहा पहले आपने खिताब अल्लाह ने ख़िताब करके बाद में आम लोगों से कहा ईमान वाले नहीं कहा अल्लाह ने यान्नास यान्नास सारी इंसानियत को अल्लाह ने आवाज़ी सारी इंसानियत को यास या इन्ना खलकना लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया इबन रही ने इसके बारे में मुफसरन की दो बातें नकल की हैं एक ये है कि जक्र और उनसा से मुराद आदम और हवा है आदम और होवा हैं जिनसे अल्लाह ने हम सबको बनाया और यही अक्सर जुमहर मुफसरीन का कौल है बास का कहना है कि इससे मुराद जिन्स मुराद है दोनों बातें यहां फिट होती हैं यही सबक है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और मुख्तलि कबीले बनाए शाब कहते हैं एक आम से कबीले को एक आम जैसे आप कहें कि अरब अरब एक शाब है एक नस्ल है उनकी असल बुनियाद अदनान और कहतान में है अदनान से फिर कुछ कबीले निकलते हैं कहतान से कुछ कबीले निकलते हैं उसी तरह से अगर मैं यहां कह लूँ कि हम यहां मुसलमान साउथ इंडियन एक आम मुसलमान है हमारे कुछ कबीले हैं कुछ बेग कहलाते हैं कुछ शेख कहलाते हैं कुछ जो है खान कहलाते हैं मुख्तलिफ नाम है मैं चंद नाम जिक्र कर रहा हूँ बस मुख्तलिफ नाम है ये कुछ कबीले हैं, अल्लाह ने यह सब बनाए किस लिए ताकि हम फखर करें, कहें कि मैं फुला खानदान से हूँ, हमारे यहाँ फुला खानदान की लड़की से शादी नहीं होती फुला खानदान वाला आदमी बड़ा होता है नहीं इस्लाम में छूत छात या बड़कपन का सबक नहीं दिया बल्कि ये बनाए कबीले ये नस्लें और ये मुख्तलिफ किस लिए बनाए अल्लाह ने ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको लिता आरफ हो लारफ हो ताकि मारिफ़त हासिल करो रिश्तेदारी तुम्हारी कायम हो अगर हाँ अल्लाह के पास किसी को बढ़तरी हासिल है इन अक्रम वह सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है तकवे के अलावा किसी और बुनियाद पर किसी को फोकियत नहीं है वही वसद अहमद की रिवायत जो रसूल आसलम से मैंने जिक्र की थी रसूल असलम ने साफ अल्फाज में कहा लाफत अला आजमी किसी को अरबी पर अरबी को किसी आजमी पर फोकियत नहीं और किसी आजमी को किसी अरबी पर फोकियत नहीं है किसी काले को किसी गोरे पर नहीं और किसी गोरे को किसी काले पर नहीं अगर है फोकियत तो सिर्फ तकवा अल्लाह की डर की बुनियाद पर है और ये पैमाना ना मैं तोड़ सकता ना मैं न मैं ना मैं और आप माप सकते हैं ना तोल सकते हैं इसको ये अल्लाह का डर दिल में होता है और ये पैमाना सिर्फ अल्लाह के पास है सिर्फ अल्लाह के पास है इन नकरम अकम इन अल्लाहम इन आलिम ख़बीर उसके बाद अल्लाहत ने बड़ी प्यार अल्लाह की ये अल्लाह के नाम और सिफतें जो है ना बड़ी माना खैज़ हैं कहाम है और ख़बीर है अलीम ज़ाहरी अमूर को जानने वाले को इलम कहा जाता है लेकिन अल्लाह है जाहिर और बातिन जानता है ख़बीर उसको कहते हैं वो शख्स इंसानों में ख़बीर वो है जो इल्म के साथ साथ तजुर्बा भी रखता हो एक्सपीरियंस हो इल्म के साथ एक्स्ट्रा एडिशनल उसके पास चीज़ें हो तो उसे खबीर कहा जाता है अल्लाह रबालम भी है खबीर भी है उसका इल्म ज़ाहरी भी है बातनी भी है और वो जानता है कि इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है अलमुहिम सूरतल हजरात की आयत इंसानियत को इंसानी रिश्तेदारी की अहमियत की तरफ और उसकी अहमियत और उसकी आजमत याद दिलाती है आइए इंसानी इंसानी रिश्तेदारी के ताल्लुक से इस्लाम ने क्या कहा क्या उसकी अहमियत है इस बारे में कितना भी कहूँ कम है लेकिन वक्त के तकाज़े के मुताबिक मैं कुछ हकूक़ यहाँ यहाँ बताना चाहूँगा साथ साथ अहमियत भी आपको उसमें मिलती जाएगी मैंने तकरीबन सात हकूक यहाँ लिख कर लाए हैं आपके सामने सात हक़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सात हकूक़ साथ ही साथ इसकी अहमियत भी आपके सामने आती जाएगी सबसे पहला हक इस्लाम ने एक इंसान को एक इंसान को जिंदगी का हक दिया है सबसे पहला हक़ इंसान को जिंदगी जिंदगी का हक दिया है ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है जैसे हमने कहा अल्लाह की नहमत रब्बानी है इंसान को यह हक दिया है कि वो जिंदगी अल्लाह की नेमत है लेकिन उसको संभाल कर सुधार कर जिंदगी गुजारे जिंदगी का हक अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है इंसान को जिंदगी देने के बाद के अपने अमल से अपने कौल से और अपनी जिम्मेदारी से अल्लाह की इबादत करे और एक अच्छा इंसान और एक बेहतर इंसान बनकर बताए इसीलिए अल्लाह रबत ने सुरतुलमाइदा की आयत नंबर बत्तीस में फरमाया

गोया कि सारी इंसानियत को कत्ल करना है जानते हैं इसके पीछे क्या है कभी किसास देखा आपने किसास, यानी कि कोई इंसान जानते बूझते बग़ैर हक के कि किसी को किसी का मर्डर कर दे किसी का कत्ल कर दे इकरार कर दे गवाही दे कत्ल आमद हो जानते बूझते हो और जो सामने वाला जिसका हक है माफ़ भी ना करे ऐसी सूरत में ऐसी सूरत में क्या होगा हो कि उसका भी कत्ल होगा कसास कभी आपने किसास देखा देखा आपने किसास हिम्मत चाहिए हिम्मत चाहिए अल्लाह ने कहा वालकुम फिल्क़ा से हया तुम या उलब वालकुम फिलक़ा से हया तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है कहा अल्लाह ने एक मरतबा किसास देख लोगे कभी किसी पर मर्डर या किसी पर हथियार उठाने की हिम्मत नहीं करोगे ना हक हथियार नहीं उठाओगे अल्लाह यही है इंसान सबक देता है इस्लाम में जो तालीम जो ताजीरात हैं जो हदूद हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो हाथ काटा जाएगा कभी किसी का हाथ काटता हुआ देखिए आप कभी जरूरत नहीं होगी चोरी की चोरी की जरूरत नहीं होगी और यह भी है कि इस्लाम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुसलमान को जानते बुझते किसी के साथ बदकारी जिना करते हुए चार लोगों ने आके गवाही दी ऐसा नहीं हुआ और उस पर हद कायम की गई ऐसा नहीं हुआ कभी बल्कि खुद इंसान अपने जुर्म की तौबा के लिए आकर कहता है कि मेरे साथ ये गुनाह हुआ है मुझे पाक कीजिए अल्लाह तो सबसे पहली बात है इंसान को जिंदगी का हक अल्लाह ने दिया है कहा अल्लाह ने कि अगर कोई इंसान नाहक किसी का कत्ल करता है तो गया पूरी इंसानियत का कत्ल करता है दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक इंसान को एक मुसलमान को यह हक नहीं कि अपने मुसलमान भाई पर हथियार उठाए बेजा हथियार उठाए यारी? बेंगलोर में मैं और आप रहते हैं ये कॉमन सी बात है जरा सा गुस्सा आया रुक जरा अभी मैं बता तुझे रुक जरा अभी चाहता हूं बता क्या बताता भाई समझ रहे ना क्या उसके बाद हाँ कोई जो है कुछ हथियार उठा के ला रहा है कुछ ये उठा के ला रहा है और नॉर्मल सी बात है कि भाई चाकू से किसी और से इशारा कर देना या लहरा देना यानी एक मुसलमान आम सी बात समझता है आप जानते हैं इसकी सजा क्या है शरीयत में कितना संगीन जुर्म है मारना नहीं मैं मारने की बात नहीं करता किसी मुसलमान भाई को बात करते हुए भी किसी चाकू से इशारा कर देना इसका जुर्म क्या है रसूल रसुलसलम ने फरमाया कोई अगर मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के आगे हथियार उठाए तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाते रहते जब तक कि वो अपने हथियार को बंद ना कर ले ना छोड़ दे हथियार को तब तक लानत होती है उस पर और रसूल असलम ने फरमाया जो मदी सही मुस्लिम की रिवायत है जो मदीने वालों को डराए मदीने वालों को डराए धमकाए डराना धमकाने का क्या मतलब है आप अल्लाह ने बाइक दी है नेमत है या कार दिया है अल्लाह ने आप क्या करते हैं साइलेंसर या उसका वो बड़ा कर देते हैं ताकि मैं चलूं तो आवाज आए चलो तो मेरी गाड़ी जाए तो आवाज आए आप जानते हैं जुर्म है जुर्म है अमन का हक सारी इंसानियत को है सारे जीने वालों को हक है आप रात में एक बजे दो बजे बड़े साइलेंसर वाली जो है बाइक लेकर के गुजरते हैं सबकी नींदों को बर्बाद करते हैं सबकी सबकी नींदों से जगाते हैं आइए इस्लाम क्या कहता है इस्लाम कहता है मन अखाफ मदीना मदीने वालों को डराए धमकाए अदा बहुल्लाकमा कमा युदा बुलमिल रसूल ने कहा अगर कोई मदीने वालों को डराए धमकाए अल्लाह उसे ऐसे ही खुला देगा जैसे कि नमक पानी में घुला दिया जाता अल्लाह बर्बाद करके इसको छोड़ेगा और रसूल रसूलम ने यह भी बताया है कि इंसान की जिंदगी अल्लाह की नमत है इसको बर्बाद करना इसको जय करना इंसान के खुद हाथ में नहीं है इसके खुद इख्तियार में नहीं है हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं अपने आप को हलाकत के रास्ते पर डालू यह हक नहीं है यह कहा जाता है आपसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए आप मेंटेन मेंटेन कीजिए, कीजिए, इस तरह की वबाएं तारीख इंसानियत में पहली बार नहीं आई हैं, बारह आई हैं पढ़िए इब हजर रही ने नकल किया है कि उनके जमाने में ऐसा हुआ कि ताउन जैसी वबा फैली वबा फैली लोग रोजाना सौ सौ की तादाद में मरते थे सौ की तादाद में मरते थे सब मिलके कहे कि नहीं हम जाएंगे इसतिसका जैसी नमाज पढ़ेंगे अल्लाह से मदद मांगेंगे इकट्ठे हुए एक साथ गिड़गड़ाए अल्लाह से मांगे उसके बाद हजारों की तादाद में मरना शुरू हो गया तारीख इंसानियत में इस्लामी तारीख में पहली चीज़ नहीं है ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और उसी तरह से अल्लाह की आजमाइशों में से जैसे कोरोना कुर, बीमारी है उसी तरह से हमें देखते हैं कि सियासी जुल्म ये जो परेशानियां हैं कभी हमने सोचा कुरान मजीद की आयत अल्लाह ने फरमाया वह कैदाली का हम भी जुल्म करते हैं हमारा जुल्म नजर नहीं आता है। हमारी जबरदस्तियां नजर नहीं आती हैं अल्लाह ने कहा हम ालिमों को जालिमों पर मुसलत करते हैं जालिमों को जालिमों पर मुसलत करते हैं अल्लाह हमें से ना बनाए उसी तरह से उसी तरह से अब्दुल मलिक बिन मरवान के तकरीबन अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में ऐसा हुआ कि अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत और उनकी बादशाह न... उनकी बादशाह के बारे में लोग बात बातें करने लगे बहुत बातें हो गई उन्होंने सारे बड़े बड़े लोगों को जमा किया अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जमा किया और कहा क्या तुम चाहते हो कौम के सरदारों को बड़े लोगों को जो समझबूझ रखते थे क्या तुम समझते हो कि हम भी खुलाफा अबू बकर और उमर रजी रजिए तुम की तरह हो जाए हम भी तुम्हारे हाकिम अबू बकर और उमर रजी की तरह हाकिम हो जाए तो सब ने कहा जी हाँ हम चाहते हैं कि आप आप अबू बकर और उमर रजी अल्लाह की तरह हाकिम हो जाए तो उन्होंने क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर आप चाहते हैं कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अल्ला जैसा हाकिम चाहिए आपको तो आप भी उनकी तरह की रियाया बनिए उनकी रियाया सहाबा थे आप भी उनकी रियाया की तरह नेक बनिए, तब अल्लाह तबारको अबू बकर और उमर जैसे नेक जैसे नेक खुलफा लेकर आएगा अल्लाह उसी तरह से अनस बिन मालिक रजी अल्लाह सन नबे हिजरी में 90 हिजरी में कुछ लोग आए और आकर उनके सामने शिकायत की कहा कि तआला रजील आप वसल्लम आप जानते हैं कि हज्जाज का बढ़ गया हज्जाज बहुत जुल्म कर रहा है बहुत ज्यादा जुल्म हो गया हज्जाज का आप दुआ कीजिए हमारे लिए तो हैत अनस बिन मालिक तो ने कहा सब्र करो सबर करो क्योंकि मुसीबतें बाज मरतबा अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमारे जुल्म की बुनियाद पर आती हैं है सबसे पहला हक इस्लाम ने यह दिया है कि इंसान को जिंदगी का हक है आजादी से जिंदगी जिए और ये जिंदगी जो अल्लाह की न्यामत है इस नमत को जय करे अपने आप को मारने वाला अपने आप को हलाक करने वाला जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा जहन्नम से कभी नहीं निकलेगा और जहन्नम में वही सजा उसे दी जाएगी नंबर दो इस्लाम ने इंसानियत के हकूक में से दूसरा हक ये बताया कि इंसान को अमन अमान का हक है सुकून की जिंदगी जीने का हक है कोई आपको डरा नहीं सकता कोई आपको धमका नहीं सकता अमनो अमान इंसानी जिंदगी के बुनियादी हकूक में से इसलिए रसूसलम ने मक्का फता जब हुआ आप आपलम ने हजतल के मौके पर मक्का जब फतह हुआ तो आप ने सारे लोगों को सारे मक्का वालों को अमन का पैगाम दिया लोग समझते थे कि अब मक्का वालों की खैर नहीं है बल्कि अंसारी साहबी कहते थे जब उहद में अंसार के बहुत सारे साहबी मारे गए अंसारी साहब मारे गए जा, जानते जंगे उहद में कितने शहीद हुए सत्तर सत्तर जिनमें से छह महाजरीन में से थे बाकी सिक्सटी फोर कौन थे अंसार में से थे तो उन्होंने कहा अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो मक्का वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे मौका दिया अल्लाह ने मक्का फता हुआ लेकिन रसूल साहसम ने सबों को माफ कर दिया अल्ला अकबर अल्लाह ने सबों को माफ रसूल ने सबों को माफ कर दिया अमन अमान का हक है इंसान पुरान जिंदगी गुजारे ये उसका हक़ है रसूल सल्लम ने हजतल के मौके पर इंसान को ये सिखाया अमन अमन, अमन का हक़ है अमन का हक़ हाँ आप ने दिया अला व व व इन वन दिमाकम आरोम हराम रसूल वसलम ने सबक़ दिया कि तुम्हारे माल तुम्हारा खून तुम्हारी इज़्ज़त तु आबरू आज से महफूज़ है आज से महफूज़ है ये बुनियादी हक़ है इंसान का तो अमन अमान का हक़ रसूल वसम ने दिया और आप अलैहि वसम ने हमेशा से ये सबक दिया कि अमन व अमान के बग़ैर इंसान पुरान जिंदगी गुजार नहीं जाए मैं बात को तूल ना देते हुए आप जानते हैं मुग़रा बिन शोबा रजील् मुग़रा बिन शोबा रजी अल्लाह तब मुसलमान होकर आए तो अपने इस्लाम लाने का वाक़ बयान करते हैं कहते हैं कि जब मैं आया रसोलम के पास तो अपने साथ दो साथियों को लेकर निकला था तीन साथी सफ़र पर निकले रास्ते में आते हुए इनका इरादा था कि जाकर मैं मुसलमान हो जाऊंगा रास्ते में इन्होंने अपने दोनों साथियों को काफिर मुसलमान नहीं थे उन दोनों साथियों को मार दिया और उनका माल उठा कर ले आए और आप के सामने आकर पेश किया कहा अल्लाह के रसूल रफुल में मुसलमान होना चाहता हूं और ये माल है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं ये माल वो माल है जो मेरे साथ मेरे दो साथी चले थे मैंने उनको मारा धोखे से और उनका माल उठाकर लेकर आया क्योंकि मुझे तो मुसलमान होना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा देखें इस्लाम पुर अमन मजहब है आप ने फरमाया इस्लाम का ना तुम्हारा मुसलमान होना हमें कबूल है अम्मा माल फाल रही बात यह माल इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि धोखे का माल है कहा खियानत का माल है इसकी हमें हमें जरूरत नहीं है इस्लाम पुर अमन जिंदगी बताता है अमन से जीना सिखाता है नंबर तीन इज्जत और आबरू की हिफाजत इज्जत की हिफाजत करना आबरू की हिफाजत करना यह इंसानी हकों में से एक हक है मैंने जैसे आपको फर, बताया कि सूरत हजरात हर आयत में सबक है उसके चंद असबाक में से एक सबक यह है कि बदगुमानी करने से बचोग इश्त आज अक्सर बीमारियां जो माशरे में जन्म लेती है अक्सर वो बदगुमानी की वजह से हर आदमी दूसरे को जज कर रहा है हर आदमी दूसरे को जज कर रहा है उसके बारे में बदगुमानी है उसको के पहले से एक उसके बारे में फैसला ले लेता है जजमेंट ले लेता है फिर उसके बाद उसके मुताबिक उसके बारे में कहने लगता है अल्लाह उसी तरह अल्लाह ने यह कहा कि एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ हती के इस्लाम ने यह तक कहा त्रिविदी की रिवायत रसूल ने फरमाया कि लोगों के आयब के पीछे मत जाओ आयबों के पीछे मत जाओ कि क्या कर रहा है क्यों कर रहा है जासूसी करोगे याद रखो मनी तब और तथब अल्लाहरा औरत जो लोगों के आय के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसके पीछे पड़ जाएगा और अल्लाह जिसके आय के पीछे पड़ जाए अल्लाह रसवा करके ही छोड़ेगा उसे अल्लाह मुझे और आपको रसवाई से बचाए अल्लाह मुझे और आपको बदगुमानी और दूसरों के बारे में गलत सोचने से बचाए आमीन याबल आलमिन नंबर चार आजादी का हक है इंसान को आजादी से जीने का हक है अपनी अपनी हद में अपने अपने हद में ये कि इंसान आजादी का गलत इस्तेमाल करे आजादी का गलत इस्तेमाल भी बिल्कुल गलत है अपनी अपनी हद में शरीयत में आजादी है एक हद के मुताबिक तो आजादी का हक है इसलिए ने कुरान मजीद में फरमायातिया के अंदर वसावा अल्लाह ने आसमान और जमीन की हर चीज तुम्हारे लिए मुसखर की है ताकि तुम अल्लाह की इबादत कर सको अल्लाह की आज से कुछ साल पहले सौ साल पहले अगर आपका सामान नीचे से ऊपर लेकर जाना हो पहाड़ तक ले जाना हो तो मुशक्कत होती थी कि नहीं होती थी जानवर का इस्तेमाल करते थे आज लिफ्ट है आपके पास क्रेन है ये सारी चीजें अल्लाह ने मुशर की हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो आजादी अल्लाह ने दी है ताकि इंसान आज़ादी से जिए और दूसरों को आज़ादी से जीने का हक दे जी हाँ बल्कि रसोल्लासम ने दीन इस्लाम ने अपनी राय और अपना अपना मशवरा देने के लिए आज़ादी का हक़ दिया है हमारे पास वमन ये समझा जाता है कि बीवी को बोलने का हक नहीं औरत को बोलने का हक़ नहीं है और यही मीडिया भी ये कहती है कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलती हैं तो औरतें ही मर्द चुप रहते हैं बोलते हैं ऐसा अमूमन इस्लाम ने आजादी राय का हक दिया है मर्द से कहा कि, की बात सुनो, से कहा कि मर्द की बात सुनो। जी हाँ। चले, मुझे उस टॉपिक पे जाना नहीं मुझे एक एक है कि ने आजादी का हक दिया। जानते हैं। बिन खत्ताब की जमाने में इबीर ने अपनी तफसीर में मुस्द अबी आला के हवाले से एक रिवायत नकल की है और उस रिवायत को जईद और कवी करार दिया कहते हैं कि अमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह में महर जो लोगों को जो औरत को महर दिया बीवी को महर दिया जाता है जो बीवी को महर दिया जाता है महर बहुत महंगे होने लगे बाद जगह फैशन होता है कि महर बढ़ चढ़ कर दिया जाए जी हाँ आज हमारे पास फैशन क्या है उनके पास सात किलो की वॉशिंग मशीन तो हमारे पास ग्यारह की होनी चाहिए उनके पास दो बेडरूम का घर तो हमारे पास तीन का होना चाहिए लास्तान वही इंसान जब जनाजे में लेटने की बारी है तो सबके लिए एक जनाजा पूरी मस्जिद में एक जनाजा जो सबके लिए अल्लाह आजादी राय की आजादी का हक है उमर बिन खत्ताब खत्ता अन्हु के जमाने में महर बहुत ज्यादा महंगे होने लगे उमर बिन खत्ताब मेंबर पर चढ़े हो चढ़कर खड़े हुए और लोगों से कहा है लोगों मैं देख रहा हूं कि महर बहुत महंगे हो रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जमाने में चार सौ दिरहम या उसके आसपास यही ज्यादा महर होता था महर चार सौ दिनों करीब करीब होता था लिहाजा तुम महरों में गुलू ना करो मिंबर से उतरे चलने लगे एक कुरैशी औरत आ गई आपको ये बात बता दूं। कुरैश की औरतें ज्यादा नहीं बोलती थी अंसार की औरतें ज्यादा बोलती थी जी हाँ कुरैश की एक औरत सामने आकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा उमर बिन खत्ताब तुम ये कहते हो कि महर ज्यादा नहीं होना चाहिए

बात को फौरन ले लिया फौरन उस बात को ले लिया आजादी राय का हक है नंबर पांच मुसावत का हक इस्लाम ने दिया है, मुसावत का हक किसी को किसी पर फोकियत नहीं है आज हमारे पास किसी को किसी पर फोकियत है है नहीं है हमारे मुआरे में किसी भी मुशरे में आप चले जाओ फोकियत है फोकियत देते हैं हम पैसे की वजह से किसी के पास पैसा ज्यादा हो या किसी के पास कुर्सियां ज्यादा हो लेबल ज्यादा हो नाम निशान ज्यादा हो तो उस पर फोकियत दी जाती है किसी को रंग की बुनियाद पर फोकियत दी जाती है किसी को नसब के नाम पर फोकियत दी जाती है मैं इन सब की बातें छोड़कर कुछ दूसरी बातें कहूं हमारे यहां फोकियत दी जाती है कोई सबसे बड़ा नाटककार हो तो उसके एक्टिंग पर फोकियत दी जा रही है एक्टिंग की वजह से या किसी के पास कुछ दुनिया की ऐसी नेमत हो उसकी वजह से उसको फोकियत दी जाती है याद रखिए इस्लाम में किसी को किसी पर फोकियत नहीं है मुसावत का हक दिया इस्लाम ने काले को गोरे पर नहीं किसी के नसब पर नहीं खान को शेख पर शेख को बेग पर बेग को खान पर किसी को फोकियत नहीं है अगर फोकियत है तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है इसी बुनियाद पर रसूसम ने अपने इंतकाल से पहले एक जंगी दस्ता तैयार किया था उस दस्ते पर किसको अमीर बनाया उसामा बिन उस जंगी दस्ते में खुद अबू बकर और अबू बकर और बुजुर्ग शख्सियत उसके बावजूद भी रसूल काबिलियत की बुनियाद पर और इस्लाम के मसावत की मसावत के दर्स के मुताबिक रसूल ने, ने उन्हें बनाया आइए ये सबक कितना भी पढ़ाएं बहुत ही ज्यादा है फरमाते हैं कि एक मरतबा में अबूजर रजी के पास गया के पास पहुंचा तो उनको देखा कि वो भी सेम ऐसे ही कपड़े पहने जैसे कि उनका खादिम कपड़े पहना हुआ उनका गुलाम जैसे कपड़े पहना वो भी वैसे ही कपड़े पहने हुए तो उन्होंने मारूर ने पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने बताया कि मैंने एक आदमी को उसकी माँ का नाम देकर के अपने खादिम को उसकी मां का नाम देकर आड़ दिलाया मां का नाम देकर के आड़ दिलाया बेंगलुर की जबान में मोटी जबान में बोलूँ तेरी माँ की गाली ये तो नॉर्मल है हमारे पास ला नॉर्मल है नहीं है गली में गुजरे तो सुनती नहीं सुनती नॉर्मल है गाली रसूल आश्रम ने कहा या अब कहा जाहलियत है, का। है। तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त हैं उनको अपनी ताकत से ज्यादा काम मत दो जो खाते हो खिलाओ जो पहनते हो पहनाओ लिहाजा मैंने जिस कपड़े में कपड़ा कपड़े में अपने लिए लिबास सिलाया, अपने खादिम को भी वही लिबास लिबासनाया बहुत बड़ी बात है किसी को किसी पर आर ना दिला जाए इस्लाम में मुसावात का हक है सबसे बड़ी मिसाल और वाजे मिसाल है जब फातिमा नाम की एक लड़की ने चोरी कर लिया तो आप क्या कहा लो अन्न फातिमा बिन तो महमदिन अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता दुनिया इतनी बड़ी मिसाल नहीं पेश करती इतनी बड़ी मसावत की मिसाल पेश नहीं करती नंबर छः इस्लाम ने तालीम का हक दिया है तालीम का हक़ दिया है इसके लिए सिर्फ़ एक छोटी सी मिसाल में पेश करूँगा रसूल असलम जंग बदर में जब कैदी आए थे उनसे फिदिया लियाम ने फदिए में जानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे थे आश्रम ने कहा जो पढ़े लिखे हैं उनका फ़दिया यह है कि अंसार के मदीने के दस बच्चों को तालीम सिखाएंगे इस्लाम ने तालीम का आज़ादी का हक दिया है यह हक़ दिया है कि औरत भी तालीम सीखे मर्द भी तालीम सीखे ये गलत है कि इस्लाम के बारे में ये कहना कि इस्लाम औरतों को तालीम का हक नहीं देता अरे सात सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह रसोल्ला आश्रम से सबसे ज़्यादा रिवायत की हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिवायतें

कि आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ और रसूल वसल्लम ने फरमायाय्यूमा अहसन यहाँ ये बात मैं ख़ास तौर पर तवज्जो के लिए आखिरी में एंड में कहना चाहता हूँ कि वसल्लम ने फरमाया जिस कबीले में कोई घर वाले भूखे प्यासे हों भूखे प्यासे रात गुजारें ऐसे कबीले ऐसे कबीले या ऐसे मोहल्ले वालों से अल्लाह बरी हो जाता है अल्लाह बारात का इजहार कर देते आज माहौल है कि गुरबत का आलम है लोग परेशान हैं गरीब ही नहीं मिडिल क्लास के मि, म, जिनके पास दरमिया तौर पर जिनके पास माली मिडिल तबका जिनको कहा जाता है दरमिया तबका जिनके पास वो भी परेशान है और अच्छे अच्छे लोगों के बिज़नेस ख़राब हैं ऐसी सूरत में गरीबों को खिलाएँ पिलाएं ख्याल रखें यह इंसानी हक़ों में से एक हक़ है और जन्नत में जाने के सबबों में से एक सबब है माशल का कुम्फ़ी सकरम नकमसल्लिन वलम नकुल्मस्किन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताली हमें इंसानियत का पैकर बनाए इंसानियत का आलम बरदार बनाए इंसानी रिश्तेदारी को समझने वाला बनाए अल्लाह करे कि हम इंसानियत के पैग़ाम को आम करें इस्लाम के पैगाम में इंसानियत को आम करें और अल्लाह हमारी हमारे बच्चों की हिफाज़त फरमाए हमारे घर वालों की हिफाजत फरमाए हमारे ख़ानदान वालों की हिफाजत फरमाए हमारे हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए सारी उम्मत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए अल्लाह अल्लाजती वबा को दूर फरमाए इन आजमाइशों को हमसे दूर फरमाए अल्लामानाजबी का मिनल्बरसी वजुनूनी वजुदामी ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته